रत्न कृष्ण कुमार राणा, दुर्गेश कुमार जी। हमने इस बार बजट को हमीनकर बजट नाम दिया है। खैर, ये तो एक अपना अपना तरीका है बजट को प्रस्तुत करने का, लेकिन इसके पीछे हमारा कुछ सोच है। वो इसलिए हमीनकर बजट हमने इस बजट का नाम रखा कि ये राज्य मुझे लगता है कि और सब राज्यों से थोड़ा सा अलग हटकर है। यहां पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है एसटी एससी ओबीसी एंड माइनॉरिटीज की, यहां बहुत अधिक संख्या है और आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक ये समूह थोड़ा सा आज के डेवलपमेंट ट्रैक में भी सबसे पीछे लाइन में खड़ा है और इनको मुझे लगता है कि विकास की कड़ियों में जोड़ने के लिए एक ऐसे सोच के साथ बजट बनानी पड़ती है या बनानी चाहिए जिससे इन वर्गों में काम करने का, उसके साथ चलने का एक आकर्षक चीजें उसे दिखाई दे, उसे महसूस हो। इसीलिए हमने हमीनकर बजट रखा है, क्योंकि एक लोकल लैंग्वेज है। यहां आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर लोग यहां का सामाजिक जो स्ट्रक्चर है वो और बजट दोनों बहुत अलग अलग दिशा के चीजें हैं। जो यहां महानुभाव लोगों की जो कई सुझाव आए हैं, कई चीजों पर तो हम लोगों ने कई डिस्कशंस किए हैं, कैसे होगा, इन सब चीजों के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। कई बार जिसमें जो आज सुझाव के रूप में आए हैं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये पहली बार सरकार ने 1 लाख से अधिक तक का ये बजट लास्ट ईयर पेश किया था। इस बार हम लोग किस तरीके से जाएंगे अब तो उसी पर काम और उसी पर चर्चा हो रही है। और यहाँ कुछ चीजों पर तो हमें जरूर हम कह सकते हैं, जैसे कि आज इस राज्य को 2-3 चीजों की आवश्यकता है किसी भी डेवलप स्टेट के लिए, उससे हम लगभग आच्छादित हो चुके हैं। जैसे रोड कनेक्टिविटी, हमारे राज्य में लगभग अच्छी स्थिति में एयर कनेक्टिविटी भी है और वाटरवेज का भी हम लोग के यहां लगभग चीजें पूरी हो चुकी है। हवाई मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग, ये सभी चीजें लगभग हम लोगों ने अचीव कर लिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय चुकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें नहीं थी। अंग्रेजों के समय से हमारे यहां कुछ चीजें हैं, जैसे रेल की सुविधा 100 साल पहले से, लेकिन उसमें लोगों को ढोने के लिए नहीं, सिर्फ रॉ मटेरियल यहां के खनिज संपदाओं को ढोने के लिए किया जाता था उपयोग। वो तो अब है कि हम लोगों ने उसमें लोगों को भी आने जाने की सुविधा प्रदान की है, लेकिन ये बेसिकली यहां के खनिज संपदाओं के लिए बना था। झारखंड स्टेट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, लगभग एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर, मुझे याद नहीं आ रहा है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम, लगभग यहां 24 में 23 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अगल बगल के राज्यों से जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट हम लोगों का छूटा हुआ है जो किसी डिस्ट्रिक्ट किसी राज्य से नहीं जुड़ा हुआ, सभी कहीं ना कहीं किसी राज्य से जुड़ा हुआ है।
और उस क्रम में अभी हम लोग का एक और कनेक्टिविटी जो साहेबगंज में एक गंगा पर पुल निर्माण हो रहा है, तो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट का रूट इधर उड़ीसा वालों के लिए, छत्तीसगढ़ वालों के लिए, यूपी वालों के लिए, इन सभी का रूट इसी रास्ते से होकर जाएगा। तो मुझे लगता है इस मामले में आधारभूत संरचना को लेकर कुछ चीजें को छोड़कर ये जो कनेक्टिविटी है ये हम लोग लगभग अच्छे सिचुएशन में है। आपके लिए अगला आमंत्रण देना चाहूंगी प्रोफेसर अश्विनी छत्री, आपकी तालियां की गड़गड़ाहट खुशी रहनी चाहिए ताकि ये विशेषज्ञ आपकी आपके विशिष्ट विचारों के लिए हम अभिन्द्र नारायणन आपके लिए श्री प्रभात कुमार सर आभार और हमारी झारखंड की धरती पर आपका स्वागत। झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।